भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने क्षेत्र के विभिन्न हॉस्पिटल में कार्यरत कोरोना योद्धाओं और पत्रकारों को सम्मानित किया। उन्होंने कोरोना महामारी के बचाव हेतु महत्वपूर्ण सम्मान प्रदान किया। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा पूरे देश में चलाए गए सेवा ही संगठन अभियान 2 के तहत यह सम्मान भाजपा द्वारा कोरोना योद्धाओं को दिया गया है। कोरोना महामारी के इस संकट काल में भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के निर्देशानुसार पूरे देश में सेवा ही संगठन अभियान 2 शुरू किया है, जिसके अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पूरे प्रदेश में ज़रूरतमंद की सहायता कर रही है। कोविड पॉजिटिव जो पेशेंट है उनका सहयोग कर रही है, उनकी सेवा कर रही है। इस उद्देश्य से हमने श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र में 7 सेवा केंद्र खोलकर जो समाज के अंदर किसी गरीब को, किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी तरह की ज़रूरत है, चाहे राशन की है, चाहे दवाई की है, उसको उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी तरह से जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है उनके लिए हमने अपनी ओर से जो च्यवनप्राश और कोविड काढ़ा देकर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। इस तरह का अभियान हमने पिछले कई दिन से इस विधानसभा क्षेत्र में चलाया है। हमने महसूस किया कि हमारी जो आशा वर्कर हैं, ये जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं उनके संपर्क में सबसे ज़्यादा आती हैं। इन्हें उनके पास बार बार जाना आना पड़ता है और इनके कोई इतनी तनख्वाह भी नहीं, वेतन भी नहीं कि ये अपने पर उसका खर्च कर सकें। इसलिए हमने ये छोटी सी कोशिश की है कि जो च्यवनप्राश और आयुष काढ़ा है वो इनको उपलब्ध कराया जाए, ताकि इनका जो है स्वास्थ्य ठीक रहे, और साथ में कुछ मास्क और सैनिटाइजर इनको उपलब्ध कराए हैं ताकि इनकी सुरक्षा रहे, ये स्वस्थ रहें, ताकि समाज की सेवा कर पाएँ। और इसके साथ साथ हमने अपने जो स्वास्थ्य संस्थान हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में, उनमें कोई कोरोना के जो उपकरण होते हैं, चाहे वो मास्क हैं, चाहे वो ऑक्सीमीटर्स हैं, चाहे अन्य जो अपने सैनिटाइज़र जैसी चीज़ें हैं, उनकी कमी ना आए, इसकी भी हम चिंता करेंगे। मैंने अभी डॉक्टर साहब से विस्तृत चर्चा की है, तो जो भी यहाँ कमी है उसको हम शीघ्र पूरा करेंगे, और जहाँ तुरंत करने के बाद तुरंत करेंगे, जहाँ जैसे जो आवश्यकता होगी उसको पूरा करेंगे, ताकि जो कमी ना आए हमारे इस क्षेत्र में, जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है उनकी पूरी देखभाल हो। मेरी अपील समस्त जनता से भी है आपके माध्यम से कि वो जो सावधानियां बताई गई हैं उन सावधानियों को बरतें। जो बड़े कार्यक्रम, सामाजिक समारोह होते हैं, शादियां आदि, उन पर थोड़ा बंदिश लगाएं, उनको टाल दें, या उनका बड़ा छोटा रूप में उनको करें, ताकि इस बीमारी को फैलने से रोक सकें। और जो पॉजिटिव पेशेंट हैं वो जो होम आइसोलेशन में हैं, वो पूरी तरह अपने आप को आइसोलेशन में रखें, ताकि वो दूसरों को संक्रमित ना करें। इस तरह से अगर समाज सहयोग करेगा तभी सरकार भी जो प्रयास कर रही है उसमें हम कामयाब होंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार और समाज मिलकर इस कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़कर जीतेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।